तो हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हो आप लोग। तो भाई बहुत सारे लोगों का ये सपना था ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस गुंथर का मैच देखने का डब्ल्यू लीग के तो अंदर। क्या अब ये मैच होने वाला है डब्ल्यू लीग के अंदर, इसके ऊपर खुद ही ब्रॉन स्ट्रोमैन ने खुद से ही रिवील किया है। उसके अलावा अगले साल रेसलमेनिया के अंदर डब्ल्यू लीग के एक और सेलिब्रिटी कन्फर्म हो चुके हैं जो की आने वाले अगले साल रेसलमेनिया के अंदर। और डोमिनिक मिस्टीरो के बारे में गुड न्यूज से सारा कुछ कवर करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले जितने लोग चैनल पर नए हो गए भाई, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। सारे लोग जिन लोगों को मेरे से पर्सनली बात करना भाई, सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाओ, मैं सबसे बात करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्मैकडाउन के बारे में, जहां मैच होने वाला जॉन सीना केविन ओवेंस वर्सेस रोमन रेंज और सैमी ज़ेन का मैच। और हाँ, इसके अलावा सोलो सिकोवा और सेमस का भी मैच होने वाला है, और भी बहुत सारे कमाल का मैच होने वाला है। तो अगले स्मैकडाउन जो होने वाला काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो रिसेंट टाइम में रेसल टिक्स की तरफ से जो रिपोर्ट निकलकर सामने आया, टोटल 12,000 के करीब ऑडियंस रहने वाला है स्मैकडाउन के शो के ऊपर। पर्सनली मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं सच में ये मैच देखने के लिए। आखिर इस मैच को कौन जीतेगा, क्या एंगल डब्ल्यू ली वाले एक्चुअली में दिखाएगी इस मैच के अंदर। वैसे अगर आप जानना चाहते हो इस मैच को आखिर कौन जीतेगा, रोमन रेंज की टीम जीतेगा या फिर केविन ओवेंस की टीम जीतेगा, तो मैं आपको बता दूं इस मैच के अंदर जॉन सीना और केविन ओवेंस की टीम के जीतने का चांसेस ज्यादा है। इसके पीछे प्रोबेबली दो रीजन बताया जा रहा है। सबसे पहला रीजन ये है, जॉन सीना काफी मैचेस ऑलरेडी हार चुके हैं डब्ल्यू लीग के अंदर, फिंड से हारे फिर रोमन रेंज से हारे हैं। और इसके अलावा जो सबसे फर्स्ट रीजन ये है, फाइनली अब डब्ल्यू लीग वाले अब ब्लड लाइन को जो स्प्लिट करना अब शुरू कर देंगे। देखिए अगर इस मैच के अंदर अगर रोमन रेंज हार गए सैमी ज़ेन की वजह से, तो रोमन रेंज सैमी ज़ेन के ऊपर तुरंत हिल टर्न कर लेंगे यहां पर। और साथ प्रोबेबली यहां पर सैमी ज़ेन को बचाने आएंगे हमारे केविन ओवेंस, उसके बाद रोमन रेंज वर्सेस केविन ओवेंस का मैच फिक्स होगा आगे फ्यूचर में रॉयल रंबल के अंदर। देखिए अभी सिर्फ एक स्पॉइलर, आप 100% नहीं कंफर्म इसको कह सकते हो, पर हाँ ऐसा कुछ होने वाला, ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है। वैसे आपके अकॉर्डिंग एग्जैक्ट क्या होने वाला है, सारे लोग कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूं, तो सारे लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्टेफन ए स्मिथ के बारे में। तो रिसेंट में इनका जो कंट्रोवर्सी हो चुका है वो हो चुका है पॉल हेवन के साथ। और हाँ, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, ये भी स्पेशल काउंसिल है, पॉल हेवन का जैसा काम है वैसे ही इनका भी काम है। तो रिसेंट टाइम में ये ट्वीट करके बोलते हैं कि पॉल हेवन, अगर मैं आ जाऊंगा डब्ल्यू लीग के अंदर तुम्हारा जो जॉब है वो चला जाएगा, तुम जॉबलेस हो जाओगे, पर मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं नहीं आने वाला डब्ल्यू लीग के अंदर, पर हाँ एक अपीयरेंस के लिए मैं जरूर आऊंगा एक दिन डब्ल्यू लीग के अंदर। तो इससे ये बात कंफर्म हो जाता है, अगर सिर्फ एक अपीयरेंस के लिए आ रहे हैं तो ये सीधे रेसलमेनिया के अंदर ही आने वाले हैं। आप ऐसा समझ सकते हो ये किसी और का स्पेशल काउंसिल बनकर आ सकते हैं, जैसे लोगन पॉल के स्पेशल काउंसिल बनकर ही आ सकते हैं। भाई अभी रेसलमेनिया होने में करीब 4 मंथ से ज्यादा टाइम बाकी, अभी बहुत सारे सेलिब्रिटी इस बार एडवर्टाइज होंगे रेसलमेनिया के लिए, आप लोग बस वेट करो थोड़ा टाइम। और साथ ही साथ ये चीज मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं, इस बार का जो रेसलमेनिया होने वाला, ऐसा रेसलमेनिया आपको देखने के लिए फिर से 3 से 4 साल आपको डब्ल्यू लीग के अंदर फिर से वेट करना होगा। और आज का नेक्स्ट स्टोरी जुड़ा है इस बार का रॉयल रंबल के बारे में। आखिर इस बार का रॉयल रंबल के अंदर टोटल कितना कैपेसिटी आने वाला ऑडियंस का, ये बात कंफर्म हो चुका है। तो ये जो रेसल टिक्स की तरफ से जो रिपोर्ट आई उसका आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जहां टोटल जो कैपेसिटी है वो 36,132 कैपेसिटी है, और इसमें 33,766 ऑलरेडी टिकट जो है वो सोल्ड आउट हो चुका है, बस बहुत कम बाकी। तो आप एप्रोक्स ऐसा मान सकते हो कि इस बार का जो रॉयल रंबल होने वाला उसके अंदर 40,000 से थोड़ा बहुत कम ऑडियंस आने वाला है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने प्यारे दुलारे डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में। तो ऑलरेडी आपको पता होगा कल के दिन डोमिनिक मिस्टीरियो जो थे वो अरेस्ट हो चुके थे पुलिस के द्वारा। पिछले बार अगर आपको याद होगा थैंक्स डे आई थिंक था, उस दिन जाकर अटैक कर दिया था डोमिनिक मिस्टीरियो रे मिस्टीरियो के ऊपर, उसके बाद फिर से कल गया था सेलिब्रेट करने। तो रिसेंट टाइम में होता क्या है, डोमिनिक मिस्टीरियो आज सुबह खुद से ही ट्वीट करके बताता है थैंक यू मॉमी, मतलब मैं बाहर आ चुका हूँ जेल से फिर से। तो आप समझ सकते हो कि अब फाइनली डोमिनिक मिस्टीरियो जो थे जेल के अंदर थे वो फाइनल बाहर आ चुके हैं। वैसे भाई मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक स्टोरी लाइन है ताकि डोमिनिक मिस्टीरियो रे मिस्टीरियो का मैच जो रेसलमेनिया के अंदर होने वाला उसको हाइप किया जाए। तो चलिए हम चलते हैं आज के अपने फाइनल न्यूज की तरफ, जो कि जुड़ा हुआ है ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस गुंथर के मैच से रिलेटेड। तो आपने लास्ट स्मैकडाउन के शो के ऊपर ऑलरेडी आपने देखा होगा कैसे ब्रॉन स्ट्रोमैन और रिको से फेस किए थे गुंथर के टीम को। तो रिसेंट टाइम में होता क्या, ब्रॉन स्ट्रोमैन खुद से इस बात को रिवील करते हैं कि हाँ अब सीधे मैं जाने वाला हूँ गुंथर के चैंपियनशिप बेल्ट के लिए। और भाई मेरे ख्याल से काफी एक अच्छा डिसीजन है यार, जब से ब्रॉन स्ट्रोमैन डब्ल्यू लीग के अंदर आए हैं उनके साथ डब्ल्यू लीग वाले कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं लिटरली। और आपको पता है ये अगर फ्यूड अगर होगा इसके अंदर अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन अगर चैंपियन बन जाएगा तो पर्सनली मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाऊंगा, क्योंकि उसके बाद हमें देखने को मिलेगा ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर का मैच, वो भी नन टाइटल के लिए। ब्रॉक लेसनर पता ना कितने साल बाद नन टाइटल के लिए फाइट करेंगे रेसलमेनिया के अंदर। तो डब्ल्यू लीग वाले अगर सच में अगर गुंथर के हाथ से चैंपियनशिप बेल्ट लेके अगर सच में अगर देना चाहते हैं अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन के हाथ में, तो काफी अच्छा डिसीजन होगा डब्ल्यू लीग। एक और मैं आपको एडिशनल न्यूज दे देता हूँ डैमेज कंट्रोल के बारे में, कल जो लोग अगर नहीं मेरा लाइव स्ट्रीम देखेंगे उनके लिए है। तो रिसेंट टाइम में डब्ल्यू लीग वाले फिर से प्लान कर रहे हैं डैमेज कंट्रोल, जो फ्रैक्शन बना था कुछ टाइम पहले बेली का उसको फिर से तोड़ने का प्लान कर रहे हैं। और ऐसे भी अगर देखा जाए तो ये फ्रैक्शन जब से आए हैं डब्ल्यू लीग के अंदर बहुत कुछ की नहीं है, मतलब हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद बेली यहाँ पर न्यू चैंपियन बन जाएगी, डब्ल्यू लीग चैंपियन बनेगी, पर शायद बहुत सैडली मुझे बोलना पड़ रहा है कि हाँ रेसलमेनिया के बाद अब बेली का फिर से फ्यूड होगा, उसमें जो भी चैंपियन होगा उससे पहले नहीं होने वाला, क्योंकि आपको पता है रेसलमेनिया के अंदर ऑलरेडी मैच फिक्स है बियांका बेलेयर का। वैसे आज की वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा अपडेट नहीं था क्योंकि ऑलरेडी क्रिसमस डे था, तो बहुत सारे सेलिब्रिटी वगैरह सिर्फ फोटो वगैरह शेयर कर रहे थे क्रिसमस डे का। तो आज का ये वीडियो सिर्फ यहीं तक था, अगर आपको वीडियो अगर पसंद आए तो सारे लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ रॉयल रंबल के अंदर आखिर कौन कौन सा रेसलर रिटर्न करने वाला, अगर वो वीडियो नहीं देखो तो इसके बाद वो वीडियो जरूर से आप लोग जाकर देख सकते हैं।